झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राज शेखावत की गिरफ्तारी का मामला। राज शेखावत के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। कोतवाली पुलिस ने करीब आधा दर्जन समर्थकों को लिया हिरासत में। राज शेखावत के समर्थक गिरफ्तारी को लेकर जता रहे थे विरोध। राज शेखावत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लिया गया था हिरासत में। अहमदाबाद में क्षत्रिय समाज के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे राज शेखावत। करनी सेना क्षत्रिय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राज शेखावत। झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और करनी सेना क्षत्रिय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लेने के मामले में राज शेखावत के समर्थकों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी राज शेखावत को रिहा करने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंची और राज शेखावत के 8 समर्थकों को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया गया है। कोतवाली पुलिस राज शेखावत के 8 समर्थकों को कोतवाली थाने पर लेकर पहुंची है। कोतवाली थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। प्रदर्शन कर रहे समर्थकों के पास कोई परमिशन नहीं थी और वे कलेक्ट्रेट में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लाया गया। सूचना मिली कि कलेक्ट्रेट में गेट के नीचे 7-8 आदमी बैठे हैं जो कि आचार संहिता का पालना नहीं कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच करके और उन लोगों को पूछा तो वो नारेबाजी कर रहे थे, इनके पास में कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए आचार संहिता के पालना के लिए समझाइश की गई और इनको आचार संहिता पालना बाबत बताया गया। ये गुजरात में है कोई, यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो गुजरात में, कोई कमल लन जो वहाँ बीजेपी मुख्यालय है गुजरात में, वहाँ जा रहे थे विरोध प्रदर्शन करने, घेराव करने के लिए, तो उनको डिटेन कर लिया वहाँ गुजरात एयरपोर्ट पर उसके विरोध में। अभी हमने 8 लोगों को डिटेन किया है, गिरफ्तार नहीं किया, डिटेन किया है।